Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, my name is Fazlur Rahim and you are watching Fazal Academy. Start करते हैं अपने previous lecture से. हमने previous lecture में पढ़ा था ionic bond, उसको define किया था. इसके अलावा electrostatic interaction, ion formation और ion molecule, ionic molecule के बारे में. तो अगर आपने कोई भी इस हवाले से topic समझने हैं तो उसके लिए previous video देखें. आज का हमारा topic है covalent bond. इसमें हम covalent bond को define करेंगे. इसके अलावा उसकी types पढ़ेंगे. अब types उसकी दो basis पे हैं. एक है bond pair की base पे कि number of bond pair कितने हैं और दूसरी polarity की base पे. तो इसको हम detail से पढ़ेंगे. Example से हम पूरे covalent bond को explain करते जाएंगे. सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनको हम इस लेक्चर में आंसर करेंगे. पहला है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन. सेकंड, इफ रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट टू अट्रैक्टिव फोर्सेस विल अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म. थर्ड है कंसीडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड. Fourth, point out the type of covalent bond in the following molecule CH4, C2, H2, H2, N2, and O2. Five, what do you mean by sigma sign and why it developed? Six, why does oxygen molecule not form a polar covalent bond? Seven, why has water polar covalent bond? To start karte hain covalent bond. The type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is called a covalent bond. यानी ऐसा bond जो electron की mutual sharing से बने उसे covalent bond कहते हैं. Mutual sharing कैसे होती है? The element of group 13, 3A to group 17, 7A, when allowed to react with each other, they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electron. तो जब भी हम 3A और 7A ग्रुप एलिमेंट को अलाउ करते हैं कि वो रिएक्ट करें तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आर ऑफ कंसीडरेबल वैल्यू. तो जो एनर्जी चेंजेस होती है कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो एक अहम रोल प्ले करती है. When two atoms approach each other, attractive forces develop between electron of one atom and the nucleus of other atom. जब भी दो एटम करीब आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है. Simultaneously, repulsive forces between electrons of the two atom as well as between the nuclei are also created. लेकिन साथ ही repulsive forces भी क्रिएट होती है जो कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती है या दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान होती है. When the attractive forces dominate due to decreasing distance between those two atom, a chemical bond is formed between them. जब attractive forces dominate करेंगी तो दोनों एटम के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि वहां पे एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा. द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई है जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एज डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स. वैसे भी बताया गया कि कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग से. द इलेक्ट्रॉन दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर. तो बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स. अगर हम देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं तो इसकी बेस पे कोवेलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं. नंबर एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर तीन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. अब हम डिटेल में इन तीनों टाइप्स को देखेंगे.
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. When one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond. यानी जब भी bonded atom एक एक electron share करेंगे bond बनाने में तो हमारे पास एक pair electron बनेगा और ऐसे bond को हम single covalent bond कहते हैं. यानी कि एक electron एक atom की तरफ से आएगा, दूसरा electron दूसरे atom की तरफ से, और हमारे पास एक pair बन जाएगा electron का. तो ऐसे बॉन्ड को जो है हम ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल द सिंगल बॉन्ड पेयर इज इंडिकेटेड बाय अ लाइन बिटवीन दोस टू एटम्स. और जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल का तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन से, दोनों एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को. A few example of molecule with single covalent bond are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid and methane. तो देखते हैं सबके structure. पहले है hydrogen का structure. अगर यहाँ देखें तो एक electron जो है वो हमारे पास contribute किया है एक hydrogen ने, जिसको हमने dot से represent किया हुआ है, जबकि दूसरा electron शेयर किया है दूसरे हाइड्रोजन ने, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया. तो दोनों हाइड्रोजन एटम हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं. तो इसको हम तो इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इससे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये किया हुआ है. इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मीथेन का, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के दरमियान एक सिंगल लाइन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है. HCl के दरमियान भी सिंगल लाइन से, और यहाँ पे मीथेन के दरमियान भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. तो ये हमारे पास होगी सिंगल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के, दो एटम के दरमियान हम सिंगल लाइन यूज करते हैं. नाउ डबल कोवलेंट बॉन्ड. When each bonded atom contribute two electrons, two bond pair are shared and a double covalent bond is formed. यानी कि जब दोनों एटम जो कि बॉन्ड बना रहे हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे. एक पेयर एक इलेक्ट्रॉन की तरफ से, सॉरी एक पेयर एक एटम की तरफ से और एक पेयर दूसरे एटम की तरफ से. तो जब दो बॉन्ड पेयर होंगे तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. दीज बॉन्ड पेयर आर इंडिकेटेड एज डबल लाइंस बिटवीन दोज एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ सच मॉलिक्यूल. तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉलिक्यूल का तो हम उनके दोनों एटम के दरमियान डबल लाइन यूज करेंगे, यानी इक्वल का साइन यूज करेंगे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. द मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन ओ टू गैस एंड ईथीन सी टू एच फोर शो सच टाइप ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड. तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. हमारे पास ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो रेड डॉट में शो किया गया है, ये एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि दूसरा ऑक्सीजन ये दो इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस में रिप्रेजेंट किए गए हैं, शो किए गए हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं. तो दोनों एटम हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं और यहाँ पे ये हमने डबल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया है दोनों ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड को. तो जब भी हमारे पास कोई डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों एटम के दरमियान हम डबल लाइन यूज करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए. इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर देखें इथीन का, तो यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड बन गया. अगर यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, चूंकि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं. जबकि अगर कार्बन के दरमियान देखा जाए, दोनों कार्बन के दरमियान, तो क्या है दोनों डबल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, इसलिए हम डबल लाइन से उसको शो कर रहे हैं, चूंकि दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो म्यूचुअली शेयर किया हुआ है. ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड.
when each bonded atom contribute 3 electrons, 3 bond pair are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. Yani ke jab dono bonded atom 3-3 electrons share karenge, to hamare paas 3 pairs ban jayenge aur aisa covalent bond jahan 3 bond pair ho, to use hum triple covalent bond kehte hain. Three lines, yani triple lines, are used to indicate these three pair of electrons between those atom in molecule of such compound. So, three line use ki jati hai, aur har line eight pair ko show karti hai. So, is tarah jahan bhi triple covalent bond hoga, to hum dono atom ke darmiyan three line use karenge us triple bond ko represent karne ke liye. इसी तरह इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं. द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आर नाइट्रोजन N2, इथाइन C2H2. तो हमारे पास नाइट्रोजन और इथाइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है. तो इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं. अगर देखा जाए नाइट्रोजन का, तो यहां पे एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को, दूसरे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं. दोनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उससे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम तीन लाइन से, दोनों नाइट्रोजन के दरमियान तीन लाइंस लगाकर. तो ये हमारे पास इंडिकेशन या शो करते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को. तो जब भी एटम के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो उनके दरमियान तीन लाइन लगाई जाएंगी. इस तरह अगर इथाइन का स्ट्रक्चर देखें, तो उसमें भी हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है. इंपोर्टेंस, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड एटम्स बना रहे हैं, तो इसका फायदा क्या है. बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम अटेन द ऑक्टेट और डुप्लेट रूम या डुप्लेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का फायदा यह है कि जो एटम होते हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो ऑक्टेट डुप्लेट को जो है वो रूल को फॉलो करते हैं, या अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम is shown in small dots or cross around the symbol of element. Each dot or cross represent an electron. तो जब भी हम electronic configuration valence shell की represent करते हैं किसी atom के around, तो या हम electron को represent करने के लिए dot use करते हैं या cross use करते हैं, और एक dot एक electron को represent करता है. इसी तरह एक cross एक electron को represent करता है. This is a standard method of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom. तो ये standard method है Lewis का, जिसके जरिए हम electronic configuration जो है valence shell की वो describe करते हैं. It is called Lewis structure diagram, और इसे हम Lewis structure diagram भी कहते हैं. यहाँ पे आपको दिखाई दी है oxygen की. तो हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे वो 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं. इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन को देखें, तो उसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं. तो जब भी हम दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे, तो एक के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे. और दूसरी बात कि हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते. और अगेन अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी जब इन चार इलेक्ट्रॉन्स की, दो एक तरफ से दो दूसरी तरफ से, तो अब अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें, तो एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8. यानी 4 जो हमारे पास ये पिंक से कलर में शो हो रहे हैं, और 4 जो हमारे पास ब्लैक डॉट शो हो रहे हैं, तो टोटल 8. इसी तरह अगर दूसरे ऑक्सीजन के टोटल काउंट करें,
तो वो भी ये जो नीचे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोनों ऑक्सीजन के साथ काउंट किए जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी चार पिंक कलर में और चार उसके पास क्रॉस में रिप्रेजेंट किए गए, तो टोटल आठ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में आठ इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इथीन की। तो इथीन में भी हमारे पास अगर पहले हाइड्रोजन को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, जबकि उसके साथ जो दूसरा कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें हाइड्रोजन के, तो इस हाइड्रोजन के पास टोटल हो गए दो इलेक्ट्रॉन और इसका डुप्लीट कंप्लीट। इसी तरह इस हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन और इसका डुप्लीट भी कंप्लीट। इसी तरह बाकी दोनों हाइड्रोजन के पास भी दो दो इलेक्ट्रॉन और उनका डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम एक कार्बन को देखें तो एक कार्बन के पास टोटल हाँ हमारे हो जाएंगे ये टोटल आठ इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो उसने एक एक जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में हासिल हुआ है और दो इलेक्ट्रॉन उसके पास कार्बन में। तो टोटल हमारे पास एक कार्बन के पास भी आठ हो गए और दूसरे कार्बन के पास भी आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हमारे पास दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमने पहले टाइप्स पढ़ी थी कोवलेंट बॉन्ड की, डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के दो आइटम के दरमियान कितने बॉन्ड पेयर हैं। अब हम मजीद टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, यानी के पोलैरिटी की बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं। नंबर वन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नंबर टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन टू सिमिलर एटम द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली। तो अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दीज बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड। अगर इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की और दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो तो इसे हम पेयर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को पेयर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2 एंड Cl2। तो दो हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएंगे, चूंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है तो उनके दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह क्लोरीन Cl2 के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम टाइप ऑफ एटम, यानी हेट्रो एटम, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड इक्वली बाय द बॉन्डेड एटम। अब अगर दो डिफरेंट एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो हो सकता है एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करे, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। वन ऑफ द एटम विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली देन द अदर वन। तो एक एटम हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करे दूसरे एटम की नस्बत। दिस एटम एलिमेंट विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसे हम कहेंगे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वेन देर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम देर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सच एटम्स। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो जब भी
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो बॉन्डेड एटम में, यानी दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा, और रिजल्ट के तौर पर हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वन, यानी काफी ह्यूज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर, इट अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ग्रेटर फोर्स। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इट क्रिएट पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड पे जो है वो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया गया है, हाइड्रोजन का 2.2 जबकि क्लोरीन का 3.2 ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड होगा। द सिग्मा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की तरफ वो मूव कर गए हैं, तो इस वजह से हम जो है वो पार्शियल सिग्मा का साइन यूज करते हैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करने के लिए। द कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, और जो कंपाउंड बनेंगे उसे हम पोलर कंपाउंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये तीनों जो हमारे पास पोलर कंपाउंड है। स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, अगर वाटर को देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, जबकि साथ वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इसी तरह HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, और HCl में क्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की प्रिडिक्शन में, कि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक होगा या कोवेलेंट, तो ये भी हमें प्रिडिक्ट हो जाता है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवेलेंट इन नेचर। तो आयोनिक होगा या कोवेलेंट देखते हैं। A bond formed between elements of high electronegativity and element of low electronegativity are ionic in nature. There is complete transfer of electron between them. तो जब भी electronegativity difference ज्यादा होगा दोनों atom के दरमियान तो हमारे पास complete transfer of electron होगा और हमारे पास ionic bond बनेगा। इसी तरह the bond between element comparable electronegativity will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane or nitrogen and hydrogen in ammonia. तो अगर electronegativity difference ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो हमारे पास covalent bond बनेगा। जैसे example दिया carbon and hydrogen की electronegativity difference इतना नहीं है तो non-polar covalent bond बनता है। अच्छा, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में कि हमारे पास आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बने? तो इसके लिए इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, अगर डिफरेंस हमारे पास मोर देन 1.7 होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर लेस देन 7 होगा तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon. In the next video, we will discuss about metallic and coordinate covalent bond. So stay tuned. Allah Hafiz.